नमस्कार दोस्तों, आपका इस टीम में स्वागत है। क्या आप क्रोम ब्राउजर के जीमेल अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, जिससे आप एक नए जीमेल अकाउंट से आपने क्रोम ब्राउजर को यूज कर सकें? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। साथ साथ अगर आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना भूलिए, बेल आइकन को वॉल पे जरूर सेल करिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब चलता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पे क्लिक लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो जीमेल का आइकन दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपका फोटो भी हो, इसी लोगो पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आप यहाँ पे जो जीमेल दिखाई दे रहा है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी जीमेल है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप सोच रहे होंगे यहाँ से मैं चेंज कर लूंगा, लेकिन भाई यहाँ से आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आपका जीमेल अकाउंट चेंज नहीं होगा। अगर आपको अपने क्रोम ब्राउजर का जीमेल अकाउंट चेंज करना है तो आपको ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पे लॉन्ग प्रेस कर लेना होगा। दबा के रखेंगे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे जो आई का बटन दिखाई दे रहा है, इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक कर लेंगे कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है क्लियर डेटा, यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक मैनेज स्पेस दिखाई दे रहा है, एक क्लियर कैच दिखाई दे रहा है। आपको मैनेज स्पेस पे क्लिक कर लेना है। मैनेज स्पेस पे क्लिक कर लेने के बाद आपको नीचे जो दिखाई दे रहा है क्लियर ऑल डेटा, क्लियर ऑल डेटा पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपको अगेन जो है क्रोम ब्राउजर पे क्लिक कर लेना है। अब देखेंगे तो आपका नया क्रोम ब्राउजर जैसा हो चुका है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले ही यस या आई एम इन पर न कर लीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे जो ऊपर दिखाई दे रहा है जीमेल, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप किस जीमेल से अपना एक क्रोम ब्राउजर चलाना चाहते हैं उसी जीमेल को ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे जेड यू एच एच है, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यही वाला मैं चाहता हूँ, इस जीमेल से अपने क्रोम ब्राउजर को चलाना चाहता हूँ। इतना कर लेने के बाद आपको जो है अब जा करके यस या यस पे क्लिक कर लीजिएगा। यस पे क्लिक कर लेने के बाद आप देखेंगे तो आपका क्रोम ब्राउजर का जो है जीमेल 100% चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा भी चेंज हो चुका है। इन्हीं सब तरीकों से आप जो अपने क्रोम ब्राउजर के जीमेल अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।